हेलो दोस्तों, स्टैंडर्ड 9th लेसन नंबर 5 हिस्ट्री विल सी। लेसन नेम इज एजुकेशन। सो लेट स्टार्ट। इफ यू आर न्यू, सब्सक्राइब द चैनल। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द राइट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। एक ऑप्शन चूज करना है आपको। द साइंटिस्ट हु डेवलप द परम 8000 सुपर कॉम्प्यूटर वॉज। परम 8000 सुपर कॉम्प्यूटर कौन से इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया? विजय भाटकर, डॉक्टर आर एच दवे, नन ऑफ द अबव, द पी पार्थ सारथी। तीनों में से कोई भी नहीं। इसका लास्ट ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या है? डॉक्टर विजय भाटकर। द मैगजीन जीवन शिक्षण इज पब्लिश्ड बाय बाल भारती, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, एम एस सी ई आर टी, विद्या प्राधिकरण। विद्या प्राधिकरण करेक्ट आंसर इज विद्या प्राधिकरण। द आई आई टी इज फेमस फॉर एजुकेशन इन द एरिया ऑफ। आई आई टी फेमस है एजुकेशन के लिए, किसके लिए? एग्रीकल्चर, मेडिसिन, स्किल्ड मैनेजर्स, इंजीनियरिंग। करेक्ट आंसर है इंजीनियरिंग। Draw directed, complete the table below with the details, individual in the education field and their work, individual and work. First, education minister of India, क्या नाम है आपको लिखना है यहाँ पर? Second है chairman of the university education commission, individual कौन है वो? Professor सैयद रऊफ। क्या work किया उन्होंने? और कोसबाट project किसने किया है, ये नाम लिखना है आपको। And the answer is given here. द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद सेटअप यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के हैं। डॉक्टर सैयद रऊफ प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट कॉमन स्टेट वाइड करिकुलम फॉर स्टैंडर्ड 1 to 7 और अनुतई वाघ कोसबाड़ा प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द गिवन रीजन ऑफ योर आंसर। गिव रीजन से द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वॉज अंडरटेकन। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। क्यों? द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी वॉज अ सीरियस चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी वॉज ओनली 17% ऑफ 1951। रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, इलिटरेसी रिमूव करना, अनएजुकेटेड जो लोग हैं उनको संख्या कम करना, ये सीरियस चैलेंज था हमारे सामने, क्योंकि इंडिया में लिटरेसी रेट सिर्फ 70% था। मतलब 100 में से 17 लोग 1951 में एजुकेटेड थे। देन सेवरल रेमेडियल मेजर्स वर टेकन फॉर रिमूवल इलिटरेसी। बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे सोल्यूशन निकाले गए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज अंडरटेकन इन 1988 फॉर द स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड इम्प्रूव एजुकेशनल स्टैंडर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था अंडरटेकन शुरू किया गया 1988 में फॉर द स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, स्प्रेड करने के लिए, इम्प्रूव एजुकेशनल स्टैंडर्ड। इन 1994 फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटुक डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, प्राइमरी एजुकेशन के लिए यूनिवर्सलाइजेशन किया गया 1994 में, इसीलिए शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वॉज एस्टेब्लिश्ड। क्यों एस्टेब्लिश की गई? टू हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ रिलेटेड स्कूल्स इन एजुकेशन। गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए, स्कूल एजुकेशन जो है उसको हेल्प करने के लिए। टू फ्रेम कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी, एक पॉलिसी बनाई उन्होंने। इंप्लीमेंट एजुकेशनल स्कीम, क्या एजुकेशनल स्कीम क्या होनी चाहिए, क्या बुक्स में क्या होना चाहिए। टू अंडरटेक एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च करने के लिए। ट्रेनिंग एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए। स्ट्रक्चरिंग रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल करिकुलम, जो सिलेबस है, करिकुलम मतलब टेक्स्ट बुक बनाने का काम भी एनसीईआरटी का ही है। टू अंडरटेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है। 1 सितंबर 1961 को एस्टेब्लिश की गई। द फार्मर्स वेयर बेनिफिटेड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फार्मर जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की वजह से उनको बेनिफिट हुआ। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडरटेक वेरियस एक्टिविटी, बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए। दिस एक्टिविटी इंक्लूड रिसर्च, इसमें क्या क्या किया जाता है? रिसर्च, वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज होते हैं, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस एंड इकोनॉमी बॉटनी।
इट अंडरटेक रिसर्च ऑन वीट, वीट के ऊपर रिसर्च की जाती है, पल्सेस, सॉइल सेट्स के ऊपर, वेजिटेबल एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हैड बीन फंडामेंटल रिसर्च ऑन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या अचीवमेंट है? मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग मल्टीपल क्रॉप्स इन ईयर, एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप लेना, ये इसका मेन अचीवमेंट है. इट मेंटेन बिगेस्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लाइब्रेरी है जो बिगेस्ट लाइब्रेरी है कंट्री में, वो मेंटेन करते हैं. दस फार्मर हैव बेनिफिटेड बाय द वर्क ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. देखिए कोटारी कमीशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन एजु कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर डी एस कोठारी इन 1964. द कमीशन रिकमेंडेड एजुकेशन पैटर्न फॉर 10+2+3, जैसे आप 10 तक एजुकेशन लेते हो, +2+3 सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन. दिस रिकमेंडेशन वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1972. तो ये रिकमेंडेशन जो था 1972 से इम्प्लीमेंट किया गया. इट ऑल्सो रिकमेंडेड एंड इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्म नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एक यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम चाहिए, इंक्लूड मदर टंग हिंदी इंग्लिश, जिसमें मदर टंग में एजुकेशन देना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, मतलब ये सब सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होने चाहिए. इट रिकमेंडेड प्रोविजन कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन देना चाहिए, एजुकेशन टिकल डाउन द लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी, लोएस्ट क्लास तक पहुंचना चाहिए. इट सजेस्टेड इंक्रीज प्रोविजन फॉर एजुकेशन, बजट फॉर एक्सपेंडिचर, बजट में भी इसकी तरतूद की गई है, और इनकर्ड द एजुकेशन फ्रॉम द वीकर सेक्शन टू एससी एंड एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसको बार्क शॉर्ट फॉर्म है मुंबई में. इट इंक्लूड्स वैल्यूएबल रिसर्च इन न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, केमिकल और लाइफ साइंसेस के ऊपर ये रिसर्च करते हैं. इट ऑल्सो स्टार्टेड स्कूल टू ट्रेन साइंटिस्ट, स्कूल में मतलब उनको साइंटिस्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग की जाती है, सेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए. बाल भारती, द महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन ऑफ करिकुलम रिसर्च वॉज एस्टेब्लिश इन पुणे ऑन 27 जनवरी 1967 को एस्टेब्लिश किया गया बाल भारती. उसका काम था करिकुलम रिसर्च करना और टेक्स्ट बुक बनाना. द ब्यूरो इज अ पॉपुलरली नोन एज बाल भारती, उसी को बाल भारती कहा जाता है. बाल भारती प्रिपेयर टेक्स्ट बुक फॉर प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के लिए टेक्स्ट बुक प्रिपेयर की जाती है. उसके बाद में टेक्स्ट बुक आर प्रिपेयर्ड इन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़ा, सिंधी, गुजराती एंड तेलुगु लैंग्वेज. जो टेक्स्ट बुक है मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़, सिंधी और गुजराती और तेलुगु लैंग्वेज में प्रिपेयर की जाती है. बाल भारती पब्लिशेज किशोर, अ मंथली मैगजीन फॉर चिल्ड्रन, और हर मंथ में किशोर नाम का एक मैगजीन है जो वो प्रिपेयर किया था. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, विच प्रोग्राम्स वेर इंक्लूडेड इन द ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम, कौन सा प्रोग्राम इंक्लूड है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम में. पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम, उन्होंने शुरुआत किया है इन 1988. स्प्रेड प्राइमरी एजुकेशन, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, 88 में प्राइमरी एजुकेशन का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कोशिश की. द गवर्नमेंट मेड अवेलेबल फंड्स टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए, टू फिल मिनिमम एजुकेशन नीड्स, एजुकेशन नीड्स मिनिमम एजुकेशनल नीड फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उन्होंने क्या किया, मिनिमम 2 प्रॉपर क्लासरूम और टॉयलेट, 2 क्लासरूम अवेलेबल करके दिए जिसको टॉयलेट भी होगा. 1 ऑफ द 2 टीचर्स टू बी फीमेल, 2 में से जो है एक टीचर जो है वो फीमेल टीचर चाहिए. ब्लैक बोर्ड, मैप्स, लेबोरेटरी अपरेटस, स्मॉल लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट. ब्लैक बोर्ड, मैप्स, लेबोरेटरी अपरेटस, स्मॉल लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट इक्विपमेंट भी देना जरूरी था. दिस स्कीम वॉज एक्सपांडेड इन 1994 तक ये स्कीम एक्सपांड की गई. एंड द प्रोविजन वॉज मेड फॉर एडिशनल टीचर इन स्कूल हैविंग एनरोलमेंट ऑफ 100 स्टूडेंट, जहाँ पे 100 स्टूडेंट है वहाँ पे 1 एडिशनल टीचर देना जरूरी है. प्रायोरिटी वॉज गिवन टू गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स के स्कूल को प्रायोरिटी दी गई. स्कूल्स हैविंग मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एंड स्कूल इन रूरल एरिया, जहाँ पे एस सी और एस टी स्टूडेंट्स ज़्यादा है,
वहाँ पर या रूरल एरियाज में इसको फैसिलिटी ज़्यादा दी गई। अपॉइंटमेंट ऑफ 50% फीमेल टीचर वॉज मेड बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को बाइंडिंग है 50% फीमेल टीचर होनी चाहिए जो जिसकी वजह से गर्ल्स जो है वो स्कूल में आ सके। दिस सेम वॉज मोमेंटम गिव मोमेंटम टू प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को इससे बूस्टअप मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डू द एग्रीकल्चर स्कूल कॉलेजेस प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर स्कूल टीच बेसिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स टू देयर स्टूडेंट। जो क्या रोल है एग्रीकल्चर स्कूल का, जिसे कृषि विद्यापीठ या कृषि कॉलेज कृषि शाला म्हटला जाता है। एग्रीकल्चर स्कूल टीच बेसिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स उनके स्टूडेंट को बताते हैं सिखाते हैं। दे इम्पार्ट एजुकेशन अबाउट साइंटिफिक टेक्निक एंड रिसर्च। एग्रीकल्चर साइंस में साइंटिफिक टेक्निक क्या है, रिसर्च कर सकते हैं। दे अंडरटेकन द सॉइल टेस्टिंग एंड गिव एडवाइस अबाउट द क्रॉप्स। सॉइल टेस्ट करके वो सॉइल में कौन सा क्रॉप्स अच्छा आएगा ये फार्मर को गाइड करते हैं। दे आर अ लिंक बिटवीन लैब टू लैंड। लेबोरेटरी और लैंड में दोनों में लिंक का काम ये एग्रीकल्चर स्कूल और एग्रीकल्चर कॉलेज करते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एक्सटेंशन ऑफिसर्स ऑफर एग्रीकल्चर कॉलेज फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन टेक्निक। एक्सटेंशन ऑफिसर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज और फर्टिलाइजर इरीगेशन टेक्निक बताते हैं। दे अंडरटेकन डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द लैंड फॉर फार्मर। डेमोन्स्ट्रेट करते दिखाते एक्सपेरिमेंट करके लैंड के ऊपर। दस देयर गाइडेंस इज हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसलिए उनका गाइडेंस हेल्पफुल है हमारे लिए। डिस्क्राइब विद द एग्जाम्पल प्रोग्रेस दैट इंडिया हैड मेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। प्रोग्रेस बताओ कि इंडिया ने जो मेडिसिन फील्ड में किया है। देखो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ICMR वॉज एस्टेब्लिश 1949 में एस्टेब्लिश किया गया। ICMR स्टार्टेड 26 सेंटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 26 सेंटर्स है उसके। देयर रिसर्च हैज मेड इट पॉसिबल टू कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रेसी। लेप्रेसी और टीबी नाम की जो बीमारियां हैं उनमें उन्होंने रिसर्च की। एंड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसको एम्स कहा जाता है गिव फर्दर इम्पेचुअस। उन्होंने और एनकरेजमेंट किए एडवांस एजुकेशन एंड रिसर्च इन मेडिसिन। एडवांस एजुकेशन और रिसर्च में इनकरेजमेंट मिली और अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च इन मोस्ट ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन आर अवेलेबल इन मेडिकल कॉलेज। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस है BAMS MBBS MD MS ये मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल। एम्स प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू कॉमन पीपल एट नॉमिनल रेट। एम्स क्या करती है, ट्रीटमेंट कॉमन पीपल को नॉमिनल रेट्स में प्रोवाइड करती है। इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड कॉलेजेस फॉर ट्रेनिंग इन नर्सिंग। नर्सिंग के कॉलेजेस है ट्रेनिंग के लिए। सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर हार्ट ब्रेन और आइज के उनके अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं। एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन अंडरटेक ट्रीटमेंट रिसर्च एजुकेशन रिलेटेड टू कैंसर। एडवांस सेंटर जो है ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन अंडरटेक ट्रीटमेंट रिसर्च इन एजुकेशन रिलेटेड कैंसर। तो कैंसर से रिलेटेड रिसर्च और एजुकेशन चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन अ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी कंडक्टेड इन योर स्कूल। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिव्यू एंड रिवाइज द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम का रिव्यू और रिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में एफर्ट्स लेना शुरू किया। मुदलियार कमीशन वॉज अपॉइंटेड 1952 में टू रिव्यू एग्जिस्टिंग सेकेंडरी एजुकेशन एंड रिकमेंडेड चेंजेस। सेकेंडरी एजुकेशन जो 8, 9, 10 का उसको रिव्यू किया और मुदलियार कमीशन स्टडीड द प्रिवेलिंग पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पहले क्या था उसका स्टडी किया एंड नेचर ऑफ करिकुलम मीडियम इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा है, करिकुलम सिलेबस क्या है इन द प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग। तो उन्होंने क्या किया कि 11+4 years 11+1+3 पैटर्न इट रिकमेंडेड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल। हाउएवर इट वाज फाउंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट ऑल ओवर द कंट्री। इसीलिए 10+2+3 रिकमेंडेड किया कोठारी कमीशन 96 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मुदलियार कमीशन। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन है लेकिन ये यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुदलियार कमीशन जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर आया। जैसे कोठारी कमीशन है वैसे आपको यहाँ पे मुदलियार कमीशन का इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि क्या। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ नाइस।